एक मैं बात और कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर एक पोस्टर मैंने देखा था कि दलाई लामा भी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हैं, दलाई लामा ने सभी लोग उनके साथ हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंग सान सूची जब वो हिंदुस्तान में थी तो मैंने अपने कलम की ताकत का इस्तेमाल उनके लिए किया था, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था उसके लिए मैंने अपना कलम इस्तेमाल किया था, हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वही कलम जो मैंने उनके लिए उनकी हिमायत में इस्तेमाल किया था, आज वो कलम उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये अलग बात है कि मेरी चीज़ें इतनी छप नहीं पा रही हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आगे सोचिए कि हमें आगे क्या करना है। एक चीज़ की एहतियात रखिए, पिछले कई जलसों में मैं गया तो वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ बातचीत की गई, हुकूमत को लांग-तांग दी गई, बुरा कहा गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। मेरा ख्याल ये स्टेज से मैं बतांगे दहर कहना चाहूँगा कि देखिए हिंदुस्तान की हुकूमत है, मालिक है, वो चाहे किसी को रखे चाहे किसी को ना रखे, लेकिन चूंकि इंसानियत का मसला है, इंसानियत का मामला है, हमें कहना होगा, हमें कन्विंस करना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि जिस तरह से आपने वायदा किया है सबको साथ लेके चलने का, ये जो 40-45 हज़ार रोहिंग्या है यहाँ पे हिंदुस्तान में आए हुए हैं, इनको भी आप उसी नारे का हिस्सा बनाइए, सबका साथ सबका विकास। पिछले एक जलसे में एक बात कही गई, मुझे अफसोस हुआ ये सुन के।